यार, क्या कर रहे हो? अच्छे से निकाल लो ना आराम से। किसी ने अपना सामान क्या लूटा है? किसी ने अपना पूरा परिवार खोया है। तो विजेता त्रिवेदी यहाँ पर कांग्रेस की जो महिला कांग्रेस की अध्यक्ष है धार जिले की, वो शिवराज सिंह चौहान को चूड़ियां भेंट करने गई थी। और अपनी बात पूछ लो, बुलाइए शिवराज सिंह चौहान को, मुझे टाइम दे, मैं बात करना चाहती हूँ। सीएसपी मैडम को बुलाइए। आप ठीक है, हम एक तरफ बोलते हैं कोरोना में, तो आप दूरियां बना के रखिए, दूरियां बनाइए, प्लीज दूरियां बनाइए। प्रोटोकॉल प्रोटोकॉल सभी के लिए होता है। आप छोड़िए, प्लीज छोड़िए, बात करते हैं। नहीं, मुझे आपसे नहीं, आपसे बात करनी है। सबके कारण आज हमारे प्रदेश की सबकी हालत खराब है। मैंने मेरे पिता को खोया है, क्या वो लौटा पाएंगे? उन्होंने माननीय कमलनाथ जी का सामना नहीं कर सकते हैं, तो इस तरह के FIR करके हम दबेंगे नहीं। आज एक घर की महिला बाहर आई है, हर घर से आएगी, क्योंकि कहीं कभी नहीं किसी ने अपना सुहाग खोया है, किसी ने अपना बाप खोया है, किसी ने अपना पूरा परिवार खोया है। आप इधर आ जाइए, आप इधर आ जाइए, आप इधर आ जाइए। अरे मैडम, आप बैठिए, आप नियम का उल्लंघन कर रही हैं। मैडम आप बैठिए, धार जिले की वो शिवराज सिंह चौहान पूरी भेंट करने गई थी, और गिरफ्तार कर लिया, पुलिस गिरफ्तार करके उन्हें यहाँ पर ले जा रही थी। आप क्या करोगे? मैं विजेता त्रिवेदी, महिला जिला कांग्रेस अध्यक्ष जिला धार। मैं यहाँ माननीय शिवराज सिंह चौहान जी को चूड़ियाँ भेंट करने आई हूँ। उन्होंने जो कायरतापूर्ण लगातार निर्णय जो ले रहे हैं, माननीय कमलनाथ जी ने जो उनसे आंकड़े मांगे उसके खिलाफ उन्होंने जो FIR की, उसके विरोध में आज मैं उन्हें चूड़ियाँ भेंट करूँगी। जो कोरोना काल में जो मृत्यु के आंकड़े हैं, अगर वो सही हैं तो उन आंकड़ों को सार्वजनिक करें ना, क्यों छुपा रहे हैं, और सच की आवाज़ को क्यों दबाने की कोशिश कर रहे हैं। आज मेरी आवाज़ उठी है, कल हर एक घर से ये आवाज़ उठेगी शिवराज सिंह के खिलाफ, क्योंकि वो कायर हैं जो कायरतापूर्ण ये निर्णय ले रहे हैं। सच को वो दबा नहीं सकते, और सच्चाई सबके सामने आएगी, क्योंकि जब वो आप 50 करोड़ में विधायक खरीद सकते हैं, तो एक कोरोना काल में मरे हुए व्यक्ति को आप 5 लाख क्यों नहीं दे सकते हैं? आप बहुत सारी चीज़ों में कायरतापूर्ण निर्णय ले रहे हैं, उसके विरोध में मैं आपको चूड़ियां भेंट कर रही हूँ। आपने जो कुर्सी हथियाई है, जो कि जनता ने आपको 2018 में ही अपने हटा दिया था, आपको चुना नहीं था, फिर भी आपके सत्ता के लालच में आज जो हमारा हाल हुआ है, प्रदेश का हाल हुआ है, अगर आप सत्ता का मोह नहीं करते, कुर्सी का मोह नहीं करते, तो आज शायद कोरोना की ये स्थिति हमारे प्रदेश में नहीं होती। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।